हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस सोनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में हमारा टॉपिक होगी पासा। पासा का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम पुनः एक बार तथ्य को फिर से जान लेते हैं कि पासा क्या होता है, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पासा को हमने अपने को बताया था, पासा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा, ठीक है दोस्तों। मानक पासा और साधारण पासा होता है। हमने बताया था कि मानक पासा क्या होगा। मानक पासा में किन्हीं भी दो फलकों का योग सात नहीं होगा। मान लीजिए एक, दो और यहाँ पर ले लेते हैं चार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक, दो और चार लिया हमने। यहाँ पर देखा जाए एक धन चार या एक धन चार, दोनों को, ये दोनों फलक को आपस में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है पाँच, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों फलक को एक धन दो को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है तीन। इसी प्रकार नीचे के दोनों फलकों को जोड़ते हैं, दो धन चार बराबर हमें मिलता है छः। इन सब में दोस्तों हमको एक बात मिली कि इनमें किन्हीं भी दो फलकों का योग सात नहीं है। देखिए सात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये किस प्रकार का पासा होगा, हमारा मानक पासा होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमसे पूछा जाए कि इस एक के विपरीत क्या आएगा, इस एक के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा या कौन सी संख्या होगी, तो हम क्या बताएंगे, एक में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें सात प्राप्त हो जाए। तो एक में अगर हम छः जोड़ते हैं तो हमें सात प्राप्त होगा, अर्थात एक के विपरीत फलक में छः होंगे। इसी प्रकार हमसे पूछा जाए कि दो के विपरीत फलक में क्या होगा, दो में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें सात प्राप्त हो। तो दो में अगर हम पाँच जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सात प्राप्त होता है। अतः दो के विपरीत फलक में हमारा पाँच होगा। इसी प्रकार हमसे पूछा जाए कि चार के विपरीत फलक में क्या प्राप्त होगा। देखिए चार में ऐसा क्या जोड़े कि हमें सात प्राप्त हो, तो चार में तीन जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है सात। अतः चार के विपरीत फलक में तीन प्राप्त होगा। इस प्रकार के पासा हमारे क्या आ जाएंगे, मानक पासा होंगे। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों साधारण पासा क्या है। देखिए साधारण पासा जस्ट इसके विपरीत होगा, किन्हीं भी दो फलकों का योग, किन्हीं भी दो फलकों के योग सात प्राप्त हुआ, अतः वह किस प्रकार का पासा होगा, साधारण पासा होगा। देखिए दोस्तों, दो तीन और पाँच लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो और तीन का योग करने पर मिलता है पाँच, यहाँ पर तीन और पाँच का योग करने पर मिलता है आठ। अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दो और पाँच का योग करने पर हमें मिल जाता है सात। दो धन पाँच का योग करने पर हमें मिल जाता है सात, और सात प्राप्त हुआ मतलब दो फलकों का योग सात प्राप्त हुआ, वह किस प्रकार का पासा होगा, आपका साधारण पासा होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पूछा जाए कि इस दो के विपरीत क्या आएगा, इस दो के विपरीत फलक में क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम सिंगल फलक से, साधारण पासा है तो उसको किसी भी एक पासा की सहायता से नहीं बता सकते कि उसमें विपरीत फलक में क्या होगा, क्योंकि ये साधारण पासा होता है, ठीक है। तब हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो के विपरीत में क्या होगा, तो जो क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे थ्री और फाइव तो नहीं हो सकती क्योंकि ये उनके साइड वाले हैं, बगल वाले फलक है, तो फलक वाले फलक तो हो नहीं सकते, इसलिए क्या होंगे, पीछे वाले। तो जो हिडन है, तो हमारे हिडन है, देखिए एक है हमारे पास, चार है और छः, एक चार छः हमारे क्या हिडन है। तो दो के विपरीत में तो एक हो सकता है, चार हो सकता है या तो छः हो सकता है। इसी प्रकार पूछा जाए कि तीन और पाँच के विपरीत क्या होगा, तो तीन और पाँच के विपरीत भी क्या होंगे, यही हिडन है, वही में से कोई एक होगा। ये चार, एक चार छः, इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है दोस्तों। हम दो क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पूछा जाए कि किसी का विपरीत ही पूछना है, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे। देखिए हमको सर्वप्रथम इसमें देखना है कि इनमें कोई दो फलक आपस में समान है क्या, तो देखने इन दोनों पासा में से दो फलक समान है क्या, देखते हैं। तो इसमें दो समान है, इसमें दो समान है, और कुछ समान है क्या इसमें, नहीं इसमें नहीं, कोई भी दो फलक समान नहीं है। तो सिंगल फलक को देखना है, हाँ तो सिंगल फलक समान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो समान है, यहाँ भी दो है, तो हमें क्या करना है, जहाँ भी हमको समान मिला वहाँ से उसको क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमको मिला दो, तो दो लिखना है, उसके बाद आता है पाँच, तो यहाँ पर पाँच लिखना है, उसके बाद आता है तीन, तो यहाँ पर आपको तीन लिखना है। इसी प्रकार यहाँ प्रारंभ हुआ दो से, तो हमको यहाँ लिखना है दो, उसके बाद आता है छः, एक आया है तो एक लिखेंगे, उसके बाद आता है छः, तो क्लॉकवाइज घूमना है दोस्तों, दो पाँच तीन, यहाँ पर दो से स्टार्ट हुआ, दो एक छः, तो इस क्रम में हमें लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक के यहाँ पाँच के विपरीत क्या आ जाएगा, हमारा एक आ जाएगा, इसी प्रकार हमारे तीन के विपरीत आ जाएगा छः, ठीक है दोस्तों। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है चार, लेकिन देखिए यहाँ पर चार तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन देखिए दो का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे, दो को काट कर उसकी जगह में चार लिख देंगे, अर्थात अब दो के विपरीत क्या आएगा, हमारा दो के विपरीत चार होगा। अब हमसे जो भी पूछा जाए उसका आंसर हम दे सकते थे कि दो के विपरीत क्या आएगा, चार, एक के विपरीत आ जाएगा आपका पाँच, इसी प्रकार तीन के विपरीत आ जाएगा छः, तीन के विपरीत छः, ठीक है दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक दो पाँच,
ठीक है, यहाँ पर दिया है 2, 3, 4। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि किसी भी कोई भी फलक है उसके विपरीत फलक में क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखिए सब शुरू समान करते, कोई दो फलक समान है क्या, तो देखने पर मिलता है कोई भी दो फलक समान नहीं है। तब हम क्या करेंगे, कोई एक फलक समान हो, सिंगल फलक समान हो, तो देखिए यहाँ पर भी दो समान है, यहाँ भी देखते हैं तो दो समान है। अब इसे किस तरह सॉल्व करना है, क्लॉकवाइज जहाँ से हुआ वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, याद रखना है दोस्तों, जहाँ भी समान मिला वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए यहाँ पर समान क्या था, दो, फिर क्या आएगा, दो के बाद आता है आपका एक आएगा, फिर आपका आ जाएगा 5। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 3। इससे हमें पता चलता है कि अब देखिए यहाँ दो समान है इसलिए इसको छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए एक के विपरीत आ जाएगा आपका 4, इसी प्रकार 5 के विपरीत आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दो समान है और हमारे पास बचा क्या है, अभी देखा जाए हमारे रिसेंटली में 6 भी हमारे पास नहीं है, तो इसको 1, 2 को काट कर उसकी जगह में 6 लिखेंगे। इसका मतलब है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा, 2 के विपरीत 6 आएगा, 1 के विपरीत 4 आएगा और 5 के विपरीत 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने तीन तीन डाइस लिया है, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ऐसे फलक का चयन करना है जिसमें 5 हो और दूसरे फलक में 5 ना हो, ठीक है। देखिए इसमें तो 5 है ही नहीं तो इसको नहीं लेंगे अपन, इसमें देखिए इसमें 5 नहीं है और इसमें 5 है, ठीक है। लेकिन दूसरा फलक देखना है जिसमें 5 ना हो और उसमें क्या हो, कोई एक फलक समान हो। देखिए इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, लेकिन इसमें देखिए इसमें का ये वाला फलक में 5 है, इसमें का कोई अंक दूसरे में भी होना चाहिए। देखिए इसमें 2 या 6, इसमें 2 है और इसमें 2 है लेकिन इसमें 6 नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ले सकते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 नहीं है लेकिन 6 है, इसको भी ले सकते हैं, आपका जो मन उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी दो पासा को लेना है और सॉल्व करना है। देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर का पासा है, ये हमारा सेकंड नंबर का है और ये हमारा थर्ड नंबर का है। तो हम देखिए दोस्तों, हम सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड को लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमको देखते हैं इसमें तो हमें मिलता है कि समान क्या है। देखिए इसमें इस सेकंड और थर्ड में समान क्या है, देखिए यहाँ पर 5 निकाला तो यहाँ 5 नहीं है 6, यहाँ पे देखिए ये 6 और यहाँ भी क्या है 6। तो जहाँ भी समान मिला वहाँ से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, जहाँ भी समान मिला वहाँ से क्लॉकवाइज घुमानी है। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 4, इसके बाद आएगा आपका 3। इसी प्रकार यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ भी 6 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत आएगा हमारा 2, इसी प्रकार 3 के विपरीत आ जाएगा हमारा 5। देखिए दोस्तों, अभी बचा क्या है, 1, और 1 कहीं पर दिखा नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 का रिपीटेशन हो गया इसलिए इसको काट कर 1 लिख देंगे, अर्थात 6 के विपरीत हमारा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, 6 के विपरीत 1। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया 5 के विपरीत। देखिए दोस्तों, 5 कहाँ पर लिखा है, ये 5, तो 5 के विपरीत क्या है, 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 के विपरीत आएगा हमारा 3, ठीक है दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी हमें देखिए 1 के विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना है कि जिस हमें ऐसा फलक देखना है जिसमें 1 हो, ए लिखा हो और दूसरे में ए ना लिखा हो। देखिए दोस्तों, इसमें ए लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा, अब क्या करें, तीनों में ए लिखा हुआ है, तब हमें ऐसे फलक का चयन करना है दोस्तों जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो। देखिए इसमें ए बी है, इसमें बे बी, अगर इसको लेते हैं तो हमको निकालना है ए का विपरीत, लेकिन निकल के यार ए बी समान हो जाएगा तो सी के विपरीत क्या आ जाएगा आपका डी, तो ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा, दो फलक समान हो गया, दो फलक समान है तो हम नहीं बना पाएंगे, इससे नहीं बना पाएंगे। अब देखिए दूसरा और तीसरा को लेकर, यह हमारा फर्स्ट है, यह हमारा सेकंड डाइस है और यह हमारा थर्ड डाइस है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लेके देखते हैं सेकंड और थर्ड को लेकर देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए ए समान है, इसमें भी समान, हाँ ये बन सकता है। देखिए दोनों में समान क्या है, ए, इसमें भी आपका क्या समान है, ए, तो जहाँ भी समान मिला वहाँ से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, जहाँ समान मिला वहाँ से क्लॉकवाइज घुमानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद डी है तो डी लिखिएगा, उसके बाद एफ लिखा है तो एफ लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इसमें ए लिखा है तो ए लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखा है आपका, सी लिखा है, देखिए ए के बाद सी लिखी है तो सी लिखिएगा, उसके बाद बी लिखा है इसलिए आप भी बी लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें ए समान, इसको छोड़िए, इसमें देखिए एक डी के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, सी आएगा, और एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, बी। कुल इसमें फलक देखिए दोस्तों, एक से लेकर एफ तक, मतलब कुल 6 फलक दिए हैं। तो देखिए एक से लेकर एफ तक में क्या चीज़ हमारा छूटा है, अगर डबल रिपीटेशन एक हो रहा है तो इसमें कुछ छूटा होगा, तो हम ध्यान देते हैं दोस्तों तो हमें पता चलता है हमारा ई छुपा है, ई छुपा हुआ है, मतलब ए के विपरीत क्या आ जाएगा, ई, हमारा आंसर हो जाएगा ए के विपरीत ई,
ठीक है दोस्तों, आज का हम अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है एक तीन फलक दिए हुए हैं, सॉरी तीन पासा दिए हुए हैं, तो हमें पूछा गया चार के विपरीत फलक में क्या होगा। तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसा फलक चूज़ करना है जिसमें क्या हो, चार हो और दूसरे वाले फलक में चार ना हो। तो देखिए दोस्तों इसमें चार नहीं है, ठीक है ले सकते हैं इसको, इसमें चार है और इसमें भी चार है, ठीक दोस्तों। तो हमें पूछा चार के विपरीत क्या होगा, तो देखिए हम ऐसा फलक चार के विपरीत वाला फलक लेंगे जहाँ जिसमें चार ना हो। देखिए तो इसमें इसमें चार नहीं, इसको लेंगे और ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड है। तो दोस्तों हम फर्स्ट एंड थर्ड से बना सकते हैं, सॉरी फर्स्ट और सेकंड से बना सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, हमें समान फलक को देखना है। तो इसमें देखिए दो दिखता है, इसमें हमें भी दो दिखता है, तो हम जहाँ समान दिखा वहाँ से हमें क्लॉकवाइज घुमानी है, जहाँ से हमें समान दिखा वहाँ से क्लॉकवाइज घुमानी है। देखिए दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा दो, फिर आ जाएगा आपका छः, उसके बाद आ जाएगा आपका पाँच। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो इसमें आ जाएगा दो, उसके बाद आता है आपका चार, उसके बाद आता है आपका एक, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसमें, देखिए दो दो समान तो इसको छोड़ना है हमें, तो चार के भी छः के विपरीत क्या आ जाएगा आपका चार, और आपके पाँच के विपरीत आ जाएगा एक, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास देखिए एक से लेकर छः तक फलक है, तो कोई भी एक फलक क्या है छूटा हुआ है, तो देखते हैं दोस्तों हमें प्राप्त होता है तीन, अर्थात दो के विपरीत क्या आ जाएगा तीन, दो के विपरीत आ जाएगा हमारा तीन। हमसे पूछा जाए चार के विपरीत क्या होगा, देखिए दोस्तों चार के विपरीत क्या आएगा, यहाँ दिखता है हमें चार, तो चार के विपरीत क्या है छः, तो चार के विपरीत आ जाएगा हमारा छः, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन करते हैं। ए देखिए यहाँ पर देखते हैं पूछा गया है तो बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा। दोस्तों इसके लिए क्या करना है, हमें ऐसा फलक देखना है जिसमें बी के विपरीत दिया हो, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं पहले में बी दिया है, दूसरे में बी दिया है, ठीक है तीसरे में डी, हमको सी को लेना ही है, हमको सी को ही लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ और क्या ले सकते हैं, देखिए बी को ले सकते हैं। अब हम मान लीजिए हम सेकंड को और थर्ड को लेते हैं, तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। देखिए इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, हाँ इसमें डी, तो सेकंड और थर्ड को भी हम ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम जहाँ से भी हमें सिमिलर दिखा वहाँ से हमें क्या करनी है, क्लॉकवाइज घुमानी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ डी है, देन ई लिखा है, फिर क्या आ जाएगा आपका पी। इसी प्रकार यहाँ देखें तो डी आएगा, यहाँ आपका ई आ जाएगा और यहाँ पर सी। देखिए डी ए बी डी ई सी, तो डी ई सी लिखते हैं। देखिए दोस्तों अब हमसे पूछा जाए, देखिए डी समान है इसको छोड़कर जो बचे उसको लिखिए, ए के विपरीत क्या आ जाएगा आपका ई आएगा, इसी प्रकार बी के विपरीत आपका सी आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ ए से लेकर हम ई तक गए हैं, हमारे इसमें कुछ छूटा होगा, छह फलक देखने हैं, ए से लेकर एफ तक जानी है, तो देखिए हमारा एफ छूटा है, तो हमारा डी के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा एफ। हमसे पूछा गया है बी के विपरीत, देखिए बी कहाँ पे है यहाँ पर, तो बी के विपरीत क्या है हमारा दोस्तों सी, तो बी के विपरीत हमारा आ जाएगा सी, ठीक है दोस्तों।